इसलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती है, अच्छा नहीं लगता। मैं सवाल पूछती हूँ शादी, आदत नहीं है, सवाल पूछती हूँ शादी, सीरियस होता जो मुझे डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप जानती है। आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं, आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाओ। दोस्तों आज जिस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वीडियो देखने का लायक है कि एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो सरकार की मुंह के ऊपर सवाल कर रही है, सरकार को सवाल कर रही है और सरकार को सवाल की काटगड़ा में खड़ा कर रही है। आज की दिन में इंडिया में ऐसा जर्नलिस्ट है? हाँ दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखकर मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि आज के दिन में इंडिया की जमीन पर ऐसा जर्नलिस्ट है रविश कुमार और अभिषेक शर्मा को छोड़ के, कि सरकारी दल को ऐसा सवाल कर रही है और सरकारी दल का जो प्रवक्ता है वो खुद कहने पे मजबूर हो गई है कि इसीलिए आपकी शो में आना नहीं चाहता हूं कि आप सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल करती रहती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बढ़िया है, इसलिए उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखेंगे। पर एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, पर आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों लेट्स प्ले द वीडियो। 10 साल पहले आप वोट मांगते हैं कांग्रेस के करप्शन पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, जमकर घेरते, घेरा भी, सरकार भी बनाई, लेकिन 10 साल बाद ये मुफीद लगता है जो पार्टी 3 में नहीं 13 में नहीं बामुश्किल 3 राज्यों में जिसकी सरकार है उसको घेर कर आप वोट मांगे? आइए देखते हैं मुलायम। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे तो बार बार और कई बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कही है मोदी जी ने। और ना ही सिर्फ ये, जहां तक बात है जो हमने कुछ करके दिखाया है 10 साल में, तो मैं उसको उसका कच्चा चिट्ठा आपको अभी दे सकती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? थोड़ा हिसाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के साथ साथ, हमारे गृह मंत्री के साथ साथ, सारे हमारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ साथ, 40 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ बार बार जो है हम लोग बताते हैं कि चाहे वो रोड्स हो या फिर हाईवेज हो या फिर वंदे भारत हो या फिर एयरपोर्ट्स हो या आईआईटीज हो या आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइमरी स्कूल्स हो या फिर स्टार्टअप योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर इन्फ्लेशन हो और उसमें किस तरह से उसमें कितना बदले हुए आते हैं यूपीए के बनिस्बत 10 साल जो हमारी पार्टी के रहे हैं, कितने बदल गए आंकड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाओ 10 साल की डिबेट हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो है 387 थे ये 2014 में, आज बढ़कर 706 हो गए हैं। आईआईटी और आईआईएम, मैं तफसील सब कुछ बताऊंगी ना। जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज है वो 51,000 थी, वो 1,00,000 से ज्यादा बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी जितनी थी 676 करीब 670, वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। मेडिकल कॉलेजेस भी डबल हो गए हैं, सीट्स डबल हो गई हैं। अब मैं आती हूँ आईआईटीज पर। आईआईटीज होती थी 6, अब वो बढ़कर हो गई है 11, और वही अब आईआईएम्स देखेंगे तो कितनी बनाई शाजिया 10 साल में, उन्होंने कितना बनाया, आईआईटी आपने कितना बनाया? मैं आपको अभी उसके आंकड़े देती हूँ। मुझे आप 2 मिनट देती, आप किसी और के पास जाइए, मैं भी आपको नए नए आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि मैं हूँ आप ही पर, आप ही से, आपसे आगे बढ़ूंगी बाद में, पहले आपसे मैं गुफ्तगू कर लूँ। अच्छा बात है। मैं आईआईटी और आईआईएम जिसका बहुत जिक्र होता है क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े संस्थान, टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थान, तो मनमोहन सिंह ने कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए 10 साल में? कमजोर बनाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने कितने बनाए। दोनों का मुझे देना पड़ेगा, दोनों का।
ठीक है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी जी ने तीन नए आईएम्स का और परमानेंट जो कैंपस थे तीन आईआईटी का इजाफा किया है और उसके साथ साथ 13,000 करोड़ रुपए का जिसमें परमानेंट कैंपसेस हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 नए आईआईटी हैं और 13 नवोदय स्कूल्स हैं। अच्छा, उसकी भी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि 2000 आप सुनेंगे तो तभी तो पूछ पाएंगी। सुनिए, नहीं नहीं मैडम, अगर आप सुनेंगे तभी तो पूछ पाएंगे। आपने एक सवाल पूछा। हाँ, मैंने आपने किया, मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते। मैं समझ में नहीं आ रही है। कंपैरिजन रख देती हूँ आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे दो। पूरी इजाजत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनमोहन सरकार में आईआईटी बने 7 और मोदी सरकार में नहीं, मनमोहन सरकार में नहीं बने, ये नेहरू जी के टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी से मैं आपके सामने 2008 से 2012 का आंकड़ा नहीं, आपका आंकड़ा है। मनमोहन सरकार में कभी 7 आईआईटी नहीं बने हैं। शाजिया 2008 बता देती हूँ और आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 2008 में रोपड़ में आईआईटी बना, 2008 में भुवनेश्वर में बना, 2008 में गांधीनगर में बना, 2008 में हैदराबाद में बना, 2008 में जोधपुर में बना, 2012 में वाराणसी में बना। पुराने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उनको आईटी देकर अपग्रेड किया गया है, वो नए नहीं बने हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल भी उनमें से कोई भी नया नहीं है, उनको अपग्रेड करके पुराने आपने भी किया। आईआईटी बना दिया, ये तो आपने भी किया। नहीं मैंने नहीं किया, ये तो आपकी सरकार ने किया। तो हमने आईएसएन धनबाद को आपने आईआईटी बनाया। ये कैसे हो, आप कैसे बात करेंगी? देखिए, वो पाएगा ऐसे संभव? इंडिया लड़ाई चुका चल रहा हमारे माइंड। सुन लीजिए शाजी, आपने कहा ना, आप उन्होंने आईएसएम धनबाद को आपने आईआईटी बनाया। आपको जवाब नहीं देना है मैडम, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब देना है। ठीक है, सुन लीजिए आप, जो नए आईआईटी बने हैं बाकायदा, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर और 2 कैंपसेस है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग एंड उत्तराखंड एंड अगरतला। ये है, मैं ये इस डेटा जो है मैं इस डेटा पर फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ शाजिया। ये काम हुआ है 9 साल में। मैं इस डेटा पर जो मैं लेकर बैठी हूँ फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ और मेरा डेटा ये कहता है कि मोदी सरकार में 7 आईआईटी बने और मनमोहन सरकार में भी 7 आईआईटी बने। मनमोहन सरकार में आईआईएम बने 7 और मोदी सरकार में आईआईएम बने 8। ये मेरा डेटा, तो तकरीबन जितना काम उन्होंने किया उतना काम आपने किया। अच्छा, तो नहीं नहीं तो आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना चाह रही हैं। तू जा छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने आईआईटी की आपने बात की, मैं आपको बता दिया नहीं, आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं और जब आपकी बात का जवाब दे दिया जाता है तो आप मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हैं। मैंने आपसे बताया मोदी जी के टाइम में जितने मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करते। देखिए अच्छा नहीं लगता, मैं सवाल पूछती हूँ और सिर्फ आपके साथ होती है। सवाल पूछती हूँ, मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख। आप जानती हैं, आपको कुछ पता है कि 2 स्वर्ण इवेंट्स हुए हैं, कोविड की महामारी हुई है। क्या आप जानती हैं कि सप्लाई क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस कितना बड़ा है, उसके बावजूद जो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हमें कह रही है कि हमने कमाल कर दिया है। आपको पता ही है ग्लोबल स्लो डाउन 2009 में भी आया था। आप तो मुझसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती है।
अरे भाई 2009 में आपको देखिए, अगर आप अपना मतलब मुझे कहना चाहिए कि कोई गलत वर्ड नहीं यूज करना चाहती, अगर आप दिखाना चाहती है अपना इग्नोरेंस और आप लड़ना चाहती है तो मैं उसके मूड में नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ शाजी, और बड़े नहीं, नहीं, आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। सोच लीजिए आप कैसे बात करेंगी, थोड़ी देर में बात करेंगी आपसे। तो कहा थोड़ी देर में आपसे बात करेंगी। धन्यवाद धन्यवाद, थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे, सब थोड़ी देर में बात कर लीजिए आपसे। प्रोफेसर दोस्तों, क्या लगा है वीडियो देखकर? मुझे तो हैरानी आ गया है, मैं खुद हैरान हो गया कि इसी तरह सवाल बीजेपी वालों को पूछा जा रहा है कि बीजेपी डर नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी वालों को अगर इसी तरह कोई भी टीवी एंकर सवाल पूछ ले तो उसका नौकरी खतरा में आ जाता है। ऐसा तो बहुत सारी है, कितना एग्जाम्पल। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल काम नहीं किया, हाँ किया है, लेकिन उन्होंने जो गिनवाया है कि इतना मेडिकल कॉलेज बनाया है, इतना यूनिवर्सिटी बनाया है, इतना प्राइमरी स्कूल बनाया है, इतना हाई स्कूल बनाया है, सब डबल डबल हो गया, इतना एयरपोर्ट बनाया है, अगर इतना कुछ कर लिया है तो पिछले 10 साल में हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्यों नहीं किया? यही मेरा सवाल है कि इतना कुछ आपने गिनवा दिया, मेडिकल कॉलेज डबल हो गया, ये उतना हो गया, वो उतना हो गया, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में डरते क्यों है? क्या डर है? उन्होंने जब उतना ही काम कर लिया तो प्रेस के सामने बताने में दिक्कत क्यों हो रहा? दिक्कत यही है, यह सब कागज और कलम में बना हुआ है, प्रैक्टिकल में नहीं बना। प्रैक्टिकल में अगर बना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी कह पाते कि भाई हमने तो ये काम किया है, उतना बनाया है, उस टाइम पे उतना था, अभी इतना है, ये तो कह पाते थे ना। हाँ, एकदम बिल्कुल काम नहीं किया ऐसा नहीं, कुछ काम किया है, करना ही तो पड़ेगा, क्योंकि इस देश की जनता ने आपको चुना है तो वह बहुत तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा एक काम मोदी जी ने किया है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में डिवाइड करने में यह सरकार मशहूर है, बहुत कुछ कर लिया डिवाइड करके। तो दोस्तों, मैं उतना बात करना नहीं चाहता हूं, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों के पास कि दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करना मेरे दोस्त, यही रिक्वेस्ट है आपके पास। और आपका प्यारा साथ से वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।